नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने कटहल लेके आए हैं, जैक फ्रूट जिसे कहा जाता है। ये एक ऐसा फल है जिसे कच्चे और पके दोनों में खाया जाता है। कच्चा हो तो एज अ सब्जी बना के, पका हुआ हो तो उसके कोह निकाल के एज अ फ्रूट में खाया जाता है। आइए हम आपको जो है थोड़ा सा छोटा सा एक रेसिपी है, एक मधुबनी स्टाइल में कटहल की सब्ज़ी बनती है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको छोटा सा रेसिपी है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आज मैं अपने घर से। आज हमारी मम्मी बना रही है हमारे लिए। देखिए, हमने जो है उसमें तेल गर्म होने के बाद तेज पत्ता डाल दिया है, जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दिया है। तेज पत्ता भी हमारा ये नेपाली तेज पत्ता है, बहुत बढ़िया उसका फ्लेवर आता है। हम तेज पत्ता सिर्फ नेपाल से ही मंगाते हैं, बहुत बढ़िया उसका खुशबू आती है। देखिए, नमक डालने के बाद, नमक डालने से आपको पता है कि जो प्याज होता है वो बहुत जल्दी आपका ब्राउन कलर में आएगा, बट हमें ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है इसका। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था हमने, थोड़ा सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना है। उसके बाद फिर हमने जो है, देखिए हमारा कलर आ चुका है मसाले में। फिर उसके बाद जो हमने जो जैक फ्रूट कटहल जो काट के रखा है उसको हम मिला लेंगे इसमें। इसमें हम थोड़ा सा आलू भी डाला है बच्चों के लिए, एक से दो आलू डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। कटहल के पेड़ के बारे में एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें 50 किलो तक का फ्रूट लग सकता है, फल लग सकता है, और जो है 200 से ज़्यादा फल ये एक साल में प्रोड्यूस करता है, एक साल में देता है। सोचिए कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है। और इसके कुछ नाम से जाना जाते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। कटहल को जो है संस्कृत के नाम में पनस के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कटहल तो आपको पता ही है, आसाम में कांथल के नाम से जाना जाता है, उर्दू में कटहली कहा जाता है, उड़िया में मनस कहा जाता है, कोनिकी में पन्नोस कहा जाता है, कन्नड़ा में हलूस कहा जाता है, गजरीती में फनस कहा जाता है। बाकी इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, जैसा कि आपने देखा ही होगा। इसमें हम पानी डाल देंगे अपने लेवल के हिसाब से, अगर चावल के साथ खाना है आपको तो चावल में पानी आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, बाकी आपको अगर रोटी के साथ खानी है तो। देखिए हमारा जो है अभी हमारा पूरा नहीं बना है, इसमें हमें जो है टमाटर ऐड करना है। देखिए टमाटर ऐड करना है हमें, साथ में ऐड कर देंगे हम। इसमें हमने एक से डेढ़ टमाटर लिया, इसको ग्रेट करके हमने रख लिया था। इसको डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना, बस टमाटर मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए। ये हमारी मम्मी की रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में, बाकी बहुत बढ़िया बनल छे, देखे हो बहुत सुंदर लागे छे। बाकी यहाँ से गुजारिश छे, कोनो कमी पेशी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।